तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार यानी कि 15 अगस्त के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2, जिसने सिनेमाघरों में सिर्फ इतिहास नहीं रचा है बल्कि इतिहास बनाया है। साल 2024 की फिल्में हो या फिर साल 2023 की, आपने देखा होगा साल 2023 में गदर 2 हो, पठान हो, जवान हो, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ओपनिंग ली। इसके अलावा साल 2022 में भी KGF चैप्टर 2 ने एक बहुत बड़ी ओपनिंग ली थी लगभग 55 करोड़ रुपए की हिंदी भाषा में। लेकिन दोस्तों, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, स्त्री 2 ये सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इंडियन हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ली है इस फिल्म ने हिंदी भाषा में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वाकई खूब तहलका मचा रखा है। फिल्म ने सिनेमाघरों में 2 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में 3रा दिन चल रहा है, यानी कि फिल्म का आज पहला सैटरडे है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से फिल्म के कलेक्शन में हमें उछाल देखने को मिला है। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्त्री 2 अपने पहले 2 दिनों में, इसके अलावा प्रीमियर शो से अभी तक टोटल कितनी कमाई कर चुकी है इंडिया से, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 3रे दिन ये फिल्म क्या करने वाली है और फिल्म का 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी स्त्री 2 फिल्म पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म स्त्री 2 की, तो ये एक हिंदी लैंग्वेज की कॉमेडी हॉरर फिल्म थी जो कि साल 2018 में रिलीज हुई स्त्री का सीक्वल थी और इस फिल्म का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से कई गुना ज्यादा कमाई कर रही। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि स्त्री 2 इतने बड़े बड़े नंबर दर्ज करेगी। फिल्म को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन और ज्योति देशपांडे ने। फिल्म में हमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, फिल्म का जो ऑफिशियली बजट है वो लगभग 55 करोड़ रुपए का है। जहां दोस्तों, 55 करोड़ रुपए का सामने आया है फिल्म स्त्री 2 का बजट, जो ऑफिशियल बजट है, सिर्फ 55 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। अब आप देखिए कि बहुत कम ऐसी फिल्में होती है जो अपने पहले 1 दिन में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो जाती है और ये करके दिखाया है स्त्री 2 ने, क्योंकि फिल्म ने अपने पहले ही दिन ओपनिंग डे पर पूरे वर्ल्ड से लगभग 84 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 55 करोड़ रुपए का बजट है और अपने पहले ही दिन ये फिल्म 84 करोड़ रुपए पूरे वर्ल्ड से कर जाती है, तो दोस्तों ये हैरान कर देने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं हम जो 2रे दिन की नाइट की ऑक्यूपेंसी थी, इसमें भी फिल्म के ज्यादातर शो जो है पूरी तरह से हाउसफुल रहे, यानी कि वेदा के कलेक्शन में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा खेल खेल में फिल्म के कलेक्शन में हमें 50-60% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे स्त्री 2 ने अपने 2रे दिन भी काफ़ी बड़ा इतिहास रचा। मुंबई के अंदर फिल्म ने 43% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की अपने 2रे दिन। फिल्म के पास 1107 शोज थे। दिल्ली NCR में भी फिल्म ने लगभग 57% की ऑक्यूपेंसी दर्ज करी अपने 2रे दिन और फिल्म के पास 1175 शोज थे। ये फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं, शाम की। पुणे के अंदर फिल्म के जो ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 44% की थी और फिल्म के पास 405 शोज थे। बेंगलुरु के अंदर लगभग 64% की ऑक्यूपेंसी थी, फिल्म के पास 299 शोज थे। यानी कि थोड़ा सा नज़र इसलिए मैंने आपको बताया ये कि फिल्म के पास अभी भी शोज कहीं पे भी कम नहीं हुए, क्योंकि फिल्म का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है तो इतनी जल्दी शोज कम नहीं होंगे। बहुत लंबे टाइम तक ये फिल्म सिनेमाघरों में चलने वाली है। अगर बात करें स्त्री 2 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों गुरुवार को फिल्म के कुछ प्रीमियर शोज रखे गए थे जहां से फिल्म ने लगभग 9 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। उसके बाद फिल्म जब 15 अगस्त को रिलीज हुई सिनेमाघरों में, तो फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर 55 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी, जिसने KGF चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को और वार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था और पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। इसके अलावा जवान के बाद अब अगर कोई इंडियन हिस्ट्री में नॉर्थ इंडिया के अंदर, यानी कि हिंदी भाषा में, अगर कोई सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म है तो वो है स्त्री 2, जिसने 55 करोड़ 40 लाख रुपए की ओपनिंग ली है।
वहीं फिल्म ने अपने पहले दिन प्रीमियर शोज का मिला के जो टोटल इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन कर लिया था वो 64 करोड़ 80 लाख रुपए का कर लिया था। फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हुआ था वो 76 करोड़ 50 लाख रुपए का हुआ था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 7 करोड़ 50 लाख रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले दिन प्रीमियर शोज का मिला के स्त्री 2 ऑफिशियली 84 करोड़ रुपए कर चुकी थी। जहां दोस्तों 84 करोड़ अपने पहले दिन प्रीमियर शो के 9 करोड़ 40 लाख रुपए मिलाकर। उसके बाद आता है फिल्म का दूसरा दिन यानी कि फ्राइडे, तो फिल्म ने भैया 32 करोड़ रुपए कमाए और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कल कोई भी हॉलिडे नहीं था, पूरी तरह से वर्किंग डे था, लोग सब अपने कामों में बिजी थे, लेकिन बावजूद इसके अपने दूसरे दिन 32 करोड़ का ये फिल्म कलेक्शन करने में कामयाब रही जो कि बहुत बड़े नंबर है। तो फिल्म ने दो दिनों में ही 96 करोड़ रुपये इंडिया से नेट कमा लिए हैं। तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई है वो लगभग 130 करोड़ रुपये हो चुकी है और अपने पहले दो दिनों में ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई है। फिल्म का सिनेमाघरों में तीसरा दिन है यानी कि पहला सैटरडे, तो दोस्तों आज एक बार फिर से फिल्म के कलेक्शन में हमें उछाल देखने को मिला है और फिल्म लगभग 40 करोड़ रुपये आज एक बार फिर से कमा रही है और फिल्म की तीन दिनों की जो टोटल कमाई है वो 136 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 180 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर रही है जो कि एक काबिले तारीफ कलेक्शन है और ये बहुत बड़ा कलेक्शन है। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी ये फिल्म स्त्री 2 कमेंट में जरूर बताइएगा।